अब क्या करें यार, घर से तो एकदम ऐसा, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे यार हम घर से बेघर से हैं। ठीक, हेलो। हाँ दोस्तों, और सब ठीक ठाक? ठीक ही होंगे जहाँ तक है, उम्मीद है। अच्छा जी, खुश रहो, फूलो फल। हाँ तो भाई वेलकम दोस्तों, क्या हाल है? स्वागत है आपका हमारे चैनल हाई ब्रो वी व्लॉग में। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मेरे से तो अच्छे ही होंगे, और मेरे जैसे तो ना ही रहे। और भाई अपना तो यार काम तो कर रहा हूँ, आपकी दुआ से, आपकी दुआ लगी है, मुझे थोड़ा सा काम मिला है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा काम चल रहा है, और आज की जो है छुट्टी मिली हुई है, जहाँ मैं काम कर रहा था उन्होंने कह दिया कि आज की छुट्टी करना, हमारे को थोड़ा काम है, इसलिए हम कल कर लेना आप आके। और भाई खांसी आ गई यार, और मैं अब जा रहा हूँ मंदिर में, क्योंकि भाई मंदिर में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आज मम्मी भी वहीं हैं और पापा भी वहीं हैं। ठीक है ना, आज यहाँ पर कोई भी नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि भाई मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है बहुत ज़्यादा, तो भाई हम कोशिश में लगे हुए हैं कि मम्मी को खुश रखने की। ठीक है ना, मम्मी को थोड़ा सा मन बहल जाए इसलिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आज सारे दिन मम्मी वहीं पर रहेगी, क्योंकि वहाँ आते जाते लोग रहेंगे और शोर शराबा सा रहेगा थोड़ा, तो ध्यान मम्मी का बटेगा। यहाँ पर रहती है तो सारे दिन बैठी रहती है, लेटी रहती है, अकेली रहती है, तो इसलिए मम्मी का दिल नहीं लगता है। ठीक है, और पापा भी वहीं पे ही हैं। और भाई मेरे जो है आज थोड़ी बहुत मैंने सफाई कर ली है अपने घर में। ठीक है, अब मैं नहा धो के रेडी भी हो गया हूँ। ठीक है ना, और भाई यार घर में यार बहुत कबाड़ हो रहा है, मतलब कबाड़ क्या, इधर उधर सारा सामान फैला हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि यार देखो साफ़ करने वाला तो कोई है नहीं, यार मुझे ही साफ़ करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है। ठीक है ना, और भाई क्या बताएं आपको कि भाई टेंशन तो बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन क्या करें यार, इंसान वही है जो सारी टेंशनों को पार कर दे, सारे दुख मुसीबत को पार कर दे। ठीक है ना, तो यही सजेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि भाई दुख मुसीबत सबके जीवन में चली हुई है, लेकिन हमेशा हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, उन दुख मुसीबत से सामना करना चाहिए। ठीक है ना, यही बात मैं आपको बोलता हूँ। तो भाई आप, तो भाई मैं जा रहा हूँ मंदिर में, आगे का व्लॉग आपको मंदिर में दिख रहा है। एंड बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, तो चलते हैं, चलिए। हाँ तो भाई हम आ चुके हैं, ये लेट रहे पापा और वो लेट रही मम्मी। ठीक है, और भैया वहाँ लेट रहे हैं गुरुजी, और ये आया हूँ मैं मंदिर में। जैसे कि मैंने आपको घर बताया था भाई, घर वर छोड़ दिया हमने, हम तो रह रहे हैं हम मंदिर में। ठीक है, जिसे मिलना हो आ जाए हमारे पास में। भाई ये रे पापा सोच रहे हैं, टाइम पास हो नहीं रहा था इसलिए यहाँ आ गए। ठीक है ना, देख लो ऐसे ही टाइम पास होता है यार अकेले इंसानों का, क्या करें। ठीक है, और यार सपोर्ट दो अपने भाई को, जिससे कि और बेहतरीन करने के लिए और मोटिवेट मिल हुए मेरे को। ठीक है ना, क्योंकि मोटिवेट नहीं हो रहा, चैनल छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बंदे, तो अच्छा नहीं लग रहा, फील नहीं हो रहा वो वाला। ठीक है भाई, 150 वीडियो हो चुकी है, 30 दिन का चैलेंज चल रहा है, और क्या दे सकता हूँ मैं इससे ज़्यादा भाई। ठीक है, बढ़िया चीज़ भी दिखाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है, पर कम से कम सब्सक्राइबर बढ़ाओ आप, पहले सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। ठीक है, बढ़िया बढ़िया जगह दिखाएंगे जाकर, कुछ हौसला मिलेगा ना आपके सब्सक्राइबर से कि हाँ भाई 100 200 500 सब्सक्राइबर आएंगे, तो हौसला आ जाता है, मोटिवेट हो जाता है बंदा, तो फिर वो सोचता है कि यार अब मैं और ज़्यादा मेहनत करता हूँ। अब क्या होता है कि जो सब्सक्राइबर उसमें से भी एक दो कम होते जाते हैं, तो डीमोटिवेट फील होता है थोड़ा बहुत, चाहे मोटिवेट अंदर से हो, जब भी डीमोटिवेट फील होता है थोड़ा बहुत। ठीक है ना, और यहाँ पापा बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी तो समझ से दूर है, बस जो कहता हूँ बोल देते हैं। ठीक है, उनको क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो भाई आपको तो पता है, लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। ठीक है, पर कोई बात नहीं यार, आपकी इच्छा है, सपोर्ट करो ना करो, मेरा काम है जो मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो यार मैं चल रहा हूँ यार, खाना वाना खाता हूँ, देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, आपको दिखाता हूँ मैं। देखो ये देख लो यार, ये वही मंदिर है। ठीक है, देखता हूँ खाना वाना बनाया है इन्होंने, क्या खाना बनाया है। ये किचन है भाई मंदिर की। ठीक है, देख लो किचन है ये मंदिर की। तो भाई देखता हूँ मैं क्या बनाया है खाना वगैरह। भाई आलू पनीर की सब्जी बनाई है। आ जाओ फ्रेंड, खा दो गाइस,
ठीक है, अब क्या करें यार, घर से तो बेघर तो मैं मतलब ऐसा लगता है कि जैसे यार हम घर से बेघर से हैं, ठीक है ना। पर यार कोई बात नहीं, इंसान वही जो हिम्मत कभी नहीं हारता, पर हम कभी हिम्मत नहीं हारने वाले, ठीक है ना। चलते हैं भाई, खाते हैं खाना। कहाँ बैठो? तो भाई यहाँ बैठ कर, अंदर बैठ कर खाएंगे खाना। तो फ्रेंड खाना खा लो, ठीक है, ये पनीर की सब्जी रोटी खा लो यार खाना। तो भाई अपना तो हो चुका है खाना वाना, ठीक है गाइस, खाना वाना हो चुका है। और भाई बैठे ये मैं बैठ गया अब। तो गाइस कैसे हो आप लोग? और भाई यहाँ आए हुए हम, ठीक है, यहाँ पे शाम तक रहेंगे। अब देखो क्या पता रोज रहें यहाँ पे शाम तक। यार मम्मी की है ना तबीयत मेरी बहुत नाजुक चल रही है, ठीक है, लेकिन हम हौसला रख रखा है हमने, ठीक है। जैसे तैसे हम लग रहे हैं अपनी मम्मी को बचाने के चक्कर में, यार उनको कुछ ना हो, ठीक है ना। बाकी तबीयत बहुत ख़राब है और भाई क्या कह सकते हैं, ठीक है। बाकी उन्होंने कहा है कि तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, चिंता करने से कुछ नहीं होता। तो भाई कोई नहीं, हिम्मत तो कर रहे हैं यार, ठीक है। गरीब आदमी के लिए हिम्मत ही बहुत सबसे बड़ा हथियार होती है। जिस आदमी के अंदर हिम्मत नहीं होगी, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, ठीक है, वो इंसान किसी लायक नहीं रहता है। हिम्मत रखनी चाहिए अपने अंदर, हौसला रखना चाहिए हर मुश्किलों से लड़ने का, आपके अंदर हुनर होना चाहिए। देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको सोचो समझो और फिर उस पर निर्णय लो। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है ना। और भाई यहाँ पे बैठे हुए पापा, दो बात पापा से करवा देते हैं आप। तो भाई ये रे पापा। हेलो। हाँ दोस्तों और सब ठीक ठाक? ठीक ही होंगे जहाँ तक है उम्मीद है। अच्छा जी, खुश रहो, फूलो फलो, और मम्मी पापा भी ठीक ठाक, परिवार सब ठीक ही होगा आप सबका। आप परिवार से जुड़े हुए, हमारा ही परिवार, हमारा भी हक बनता है राजी खुशी की पूछने की, आपका भी हक बनता है। अच्छा जी, आज हम इस आश्रम में आ गए तो इसलिए आ गए, हम थोड़ा बाहर को निकल जाएं, इसकी मम्मी रह जाती है घर पे अकेली, तो ये अकेली रह जाती तो थोड़ा दहशत सी लगती इसको, मगर चलो आज आश्रम में वहीं खाना बनेगा और वहीं खाएंगे और अपना आराम से रहेंगे। यहाँ हॉल है बहुत बड़ा। अच्छा जी, इधर रोड है, रोड पर ट्रैफिक बहुत चलता है, तो चहल पहल है यहाँ पे, तो इसको खुश करने के लिए यहाँ लाए हैं। अच्छा जी, ये थोड़ा सा ऐसे बुखार हो गया, वैसे चल रही बीमार काफ़ी दिन से, कोई नहीं हो जाएगी सब ठीक, काम धंधा मिलने लग गया, आप कर रहे हैं कुछ। अच्छा जी, आज गए नहीं वहाँ, कल काम चलेगा, मिला है 5-7 दिन हफ्ता का काम कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं काम मिला हमें, तो काम की ज़्यादा ज़रूरत हमें काम की है। अच्छा जी, काम मिल जाए सारे, सारी मंजिल आसान, काम ही जब नहीं रहेगा तो आदमी करेगा क्या। हेलो बोलो, हेलो मम्मी बैठ लेट रही है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। और भाई देखो एक और बात है कि अब तुम मतलब गरीबी गरीबी गरीब गरीबी गरीबी हापने से है ना कोई धनवान नहीं बनता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखो, ठीक है ना, हंसी खुशी से रहो और ठीक ठाक रहो, सब चीज़ मिलेगी, वो टाइम होता है हर चीज़ को मिलने का, एक ना एक दिन सब चीज़ मिलेगी, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। मेहनत से पीछे मत हटो, अपने काम से पीछे मत हटो, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, ठीक है ना। और भाई चैनल को जो है हमारे को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके उतनी शेयर करो, क्योंकि हमारे चैनल पे सिर्फ से और सिर्फ आपको समझाने की बात ही दिखाई जाएगी, फैमिली व्लॉग मिलेगा आपको, सारी चीज़ के व्लॉग मिलेंगे, ट्रैवल व्लॉग वगैरह, जहाँ भी जाऊँगा वही चीज़ दिखाऊँगा, ठीक है ना। बस आप जो है 1000 सब्सक्राइबर पहुँचा दो, फिर आपके लिए मैं सरप्राइज़ रखूँगा, बहुत बढ़िया सरप्राइज़ है, बहुत पूरी दिल्ली घुमाऊँगा मैं भाई साहब, कुछ कुछ नहीं छोड़ने का दिल्ली में, बस एक बार 1000 सब्सक्राइबर कर दो, उसी दिन जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो गए उसी दिन मैं पूरी दिल्ली घुमा दूँगा आपको, ठीक है ना। तो भाई फटाफट करो, अपने भाई का साथ दो, हाय ब्रो वी व्लॉग विवेक बी, विवेक बी का मतलब विवेक बेनीवाल, ठीक है भाई। तो बाय बाय, बाय बाय कर दो सब, बाय 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 बाय।